नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जहां आज यूपी वालों के लिए ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक जारी है जहां सीएम की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक लगातार हो रही है जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही यूपी के सभी कैबिनेट मंत्री भी बैठक में मौजूद हैं। और बता दें कि दिवाली से 3 दिन पहले अयोध्या के रामकथा भवन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े कई कार्यक्रमों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक से पहले पूरी कैबिनेट ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और ये देखिए अयोध्या से सीधी तस्वीरें भी हम लगातार एक बार फिर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं जहां रामलला के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी पूरी कैबिनेट आज मौजूद रही। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ ही जो पीडब्ल्यूडी विभाग का दारोमदार जिन्होंने संभाल रखा है जितिन प्रसाद, वो भी नजर आए हैं। और ये तस्वीरें बखूबी बयां करती हैं कि दीपावली से पहले एक बार फिर से राम राज्य का एक कड़ा संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की नगरी अयोध्या से दिया है। ये दूसरी बार ऐसा मौका है जब लखनऊ से बाहर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है। इससे पहले साल 2019 में संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ बैठक का आयोजन हुआ था। अब इसके बाद आज अयोध्या में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। फोन लाइन पर शक्ति सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शक्ति, देखिए योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक आज अयोध्या में हो रही है, इस कैबिनेट बैठक के जरिए योगी सरकार ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? शक्ति, ठीक है, शक्ति से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए अयोध्या में इस वक्त तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद के साथ ही तमाम जो नेताओं की ये तस्वीरें हैं, ये साफ तौर पर बता रही हैं कि राम नगरी अयोध्या से एक कड़ा और साफ संदेश देने की कोशिश इस कैबिनेट बैठक के जरिए देने का प्रयास किया गया है। खबर बुलंदशहर से है जहां खानपुर थाना क्षेत्र के निवासी पीड़ित किसान ने युवा जिला उपाध्यक्ष सचिन चौधरी के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचकर एसएसपी को अपनी आपबीती सुनाई जिसमें पीड़ित किसान ने बताया कि उसकी जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। वहीं पीड़ित किसान ने 10 लाख रुपए ठगी करने का भी गांव के ही एक युवक पर आरोप लगाए हैं। वही थाने पर सुनवाई नहीं होने के बाद पीड़ित अपनी फरियाद लेकर किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष सचिन चौधरी के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंचा और साथ ही एसएसपी को शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। हमारे किसान पीड़ित हो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है, तहसील हो या थाना हो, जिसके लिए हम आज एसएसपी ऑफिस आए हैं जिससे कि किसानों की पीड़ित सुनवाई की जाए। आज क्या मामला है? आज हमारे फकीरा जी हैं, खानपुर से आए हैं, इनकी थाने में कई बार कंप्लेंट भी की है, कोई सुनवाई नहीं होती है और परेशान होकर आज ये एसएसपी आए। मामला क्या था? इनका जो मामला है, ये हिमांशु गौड़ है, उसने एक लीज पे जगह ली थी और लीज पे जगह के नाम पर उसका बैनामा करा लिया और उसमें ना कोई पैसा दिया गया है और उसमें बीच में धीरज जी हैं, उसने 10 लाख रुपये इनसे ले लिए हैं फैसले के लिए, ना तो फैसले पैसे वापसी दिए हैं और ना कोई फैसला कराया। औरैया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल प्रधान के बेटे के खुले में टॉयलेट करने के दौरान पड़ोसी ने लाइट जला दी तो गुस्साए दबंगों ने उसके बुजुर्ग मां की हत्या कर दी है। घटना बिदूना कोतवाली क्षेत्र के मढ़ा मछी झील इलाके का है। दरअसल मढ़ा मछी झील में प्रधान पुत्र मोहित पड़ोसी उदयवीर सिंह के घर के बाहर नाली में टॉयलेट कर रहा था, तभी पड़ोसी उदयवीर सिंह ने बाहर की लाइट जला दी और रोशनी पड़ने पर मोहित और उदयवीर सिंह के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान दबंग प्रधान के बेटे ने पीड़ित पड़ोसी की मां को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। थाना बिदूना क्षेत्र में मढ़ा माछी झील गांव पड़ता है, इसमें दो ठाकुर पक्ष हैं, अगल बगल इन लोगों के घर हैं। ये मृतका शांति देवी, पत्नी महोकम सिंह, लगभग इनकी 70 वर्ष उम्र थी। इनके घर का जो चबूतरा है उसके बाहर एक टूटी हुई नाला जैसा है, वहाँ पर विपक्षी मोहित सिंह जो प्रधान है महिला, उनके उनका बेटा है, वो वहाँ पे पेशाब कर रहा था और वहाँ पे लाइट जल गई उनके दरवाजे पर। तो इस बात को लेकर इन दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद इनमें लड़ाई होने लगी, फिर जो वृद्ध महिला है उनके ज़्यादा चोट आ गई और वो चबूतरे से गिर भी गई, जिसके बाद उन्हें उपचार हेतु CHC बिदूना लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा इन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया गया।
रामनगरी अयोध्या में इस साल दीपोत्सव में एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2017 से अयोध्या में शुरू हुए दीपोत्सव कार्यक्रम में हर बार सरकार के द्वारा दीयों की संख्या के बढ़ने का प्रयास जारी है। इस बार अयोध्या के 51 घाटों पर दीपावली के मौके पर 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिनमें तकरीबन 1.5 लाख गोबर से बने हुए गोदीप भी शामिल होंगे। भगवान श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और दीपावली पर होने वाले दीपोत्सव के साथ साथ अयोध्या में कई धार्मिक और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें रामायण के प्रसंगों पर आधारित झांकियां अयोध्या के प्रवेश द्वार से निकलेंगी, जिनका राम कथा पार्क में समापन होगा। और इसके अलावा झांकियों के आगे पीछे नृत्य संगीत की अलग अलग टोलियां भी चलेंगी। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तकरीबन 15,000 गोदीप भेंट किया, जो अयोध्या दीपोत्सव में जलाए जाएंगे। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर, हम है धर्मनगरी अयोध्या में। धर्मनगरी अयोध्या में हम आ चुके हैं राम की पैड़ी पर। यहाँ पे जो दीपोत्सव की तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पे चल रही हैं। जो यहाँ पे दीप हैं वो उनको वॉलेंटियर के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वॉलेंटियर हैं वो दीपों को लगातार लगा रहे हैं। दीपोत्सव का दिन नजदीक आ रहा है, जिसके उसमें तैयारियां जो है वो बहुत जोरों से हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, आइए हम इनसे बात भी करेंगे कि बेटा दीपोत्सव में कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे पहले भी आप लोग आए थे यहाँ? नहीं नहीं, हम लोग पहली बार आए हैं। कौन सा स्कूल है आप लोगों का? राम किस डिपार्टमेंट से? फार्मेसी। फार्मेसी डिपार्टमेंट हो चाहे और भी अदर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं, राम मनोहर लोहिया की तरफ से जितने बच्चे हैं सारे बच्चे आए हुए हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ में मौजूद है, हमसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सिद्धांत सिंह। यहाँ पे आए हुए किस लिए आए हुए हैं? दीप लगवाने, दिया जलवाने के लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना? वर्ल्ड रिकॉर्ड इस गाड़ी का कितना है? 21 लाख। 21 लाख दीपों का है। पिछली बार कितना था? 19 लाख। 19 लाख। कौन सा डिपार्टमेंट आपका? हमारा फार्मेसी है। फार्मेसी। अगर हम फार्मेसी डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ अयोध्या में राम की पैड़ी पर जो है दीपों का लगातार, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो दीप है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। 11 तारीख को दीपोत्सव होना है, दीप को प्रज्वलित करना है, उसके लिए जो है तैयारियां हैं जो यहाँ पे हैं वो बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। और भी कुछ बच्चे हैं, आइए हम बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि दीपोत्सव के बारे में। राम की पैड़ी पे आए हुए हैं, पूरी अयोध्या जो है वो राममयी हो चुकी है। यहाँ पे कुछ बच्चे और हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? काशीनाथ कौशल। यहाँ पे आप वॉलंटियर में हैं? हाँ, हम लोग वॉलंटियर हैं। दीपों को लगाया जा रहा है आपके द्वारा, कहाँ से हैं आप? हम लोग अवध विश्वविद्यालय से हैं और हम लोग का जो डिपार्टमेंट है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट है। अच्छा, फार्मेसी वाले, ये घाट फार्मेसी वालों का है? ये घाट फार्मेसी वाले और भी डिपार्टमेंट एमएससी वगैरह के बच्चे हैं। इस घाट से बीफार्म और भी सारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ है हम लोग का। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो अवध विश्वविद्यालय है, पूरा विश्वविद्यालय यहाँ पे सहयोग कर रहा है दीपों को प्रज्वलित कराने में। यहाँ पे जो दीप हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। धर्मनगरी अयोध्या से मैं शक्ति ठाकुर। खबर गाजियाबाद से है, जहां मोदी नगर में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने हर स्थिति से निपटने के लिए योजना तैयार कर ली है। एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि धनतेरस, दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठानों जिनमें ज्वेलरी शॉप, बर्तन और मिष्ठान भंडार पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा व्यापारी कैश लाने ले जाने के लिए भी पुलिस की मदद ले सकते हैं। एसीपी ने बताया कि प्रतिबंधित पटाखे बेचने वालों पर भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के साथ साथ आगे धनतेरस का भी त्यौहार आ रहा है और छोटी दिवाली आएगी और लगातार त्योहारों का ही सीजन चल रहा है। इसके लिए बहुत मुकम्मल इंतजाम पुलिस के किए गए हैं। उसमें कई बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। पहला ये कि जनता में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो, त्यौहार के समय लोग निडर होकर बाहर निकल सकें और शॉपिंग करें या खरीदारी करें। इसके लिए नियमित रूप से कई बिंदुओं पर चेकिंग कराना, जिससे पुलिस की प्रेजेंस बाहर दिखे। पैदल गश्त कराई जा रही है दिन में भी और प्लस शाम के टाइम भी, मार्केट टाइम पे, ताकि जनता में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो।
गाजियाबाद से खबर है जहां थाना वेव सिटी में एक बुजुर्ग ने अपने बेटे पर जानलेवा हमला करने और जान से मारने का मामला दर्ज कराया है। दरअसल बुजुर्ग का बेटा यूएसए से पायलट की ट्रेनिंग कर लौटा और उसके बाद उसे नशे की लत लग गई, जिसके बाद वो इस प्रकार की हरकतें कर रहा है कि बेटे से परेशान पिता ने अब गाजियाबाद पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। धनतेरस का भी त्यौहार आ रहा है और छोटी दिवाली आएगी और लगातार त्यौहारों का ही सीजन चल रहा है। इसके लिए झांसी से खबर है जहां राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी के नाती को गोली मारने वाले आरोपी के दिनदहाड़े पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस को देखते ही बदमाश ने इंस्पेक्टर के सीने पर गोली मारी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने इंस्पेक्टर बाल बाल बच गए और गोली जैकेट में ही फंस गई। वही जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, वही उसके दूसरे साथी ने सरेंडर कर दिया है। घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर में इस समय यूपी परिवहन निगम में काम कर रही पति पत्नी की जोड़ी खूब सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल लोनी डिपो की इस रोडवेज बस पर पति पत्नी तैनात हैं और दिलचस्प बात यह है कि पत्नी के हाथ में रोडवेज बस का स्टीयरिंग है और पति यात्रियों के टिकट काटता है। जो भी इस अनोखी तस्वीर को देखता है वो हैरत में पड़ जाता है। तस्वीर में रोडवेज बस का स्टीयरिंग थामे जिस महिला को आप देख रहे हैं वो बुलंदशहर की रहने वाली वेद कुमारी है। वेद कुमारी के पति मुकेश प्रजापति भी इसी रोडवेज बस में टिकट काटते हैं। वहीं वेद कुमारी का कहना है कि फिलहाल वो संविदा पर तैनात है और मानदेय भी काफी कम है। योगी सरकार उनको परमानेंट करे और सैलरी में भी बढ़ोतरी करे। साथ ही उन्होंने योगी सरकार की तारीफ भी की है। नहीं, जब नहीं देखा तो नहीं देखा, पर अब तो देख ही रहे लोग, सब खुश होते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं और महिलाएं भी बहुत खुश रहती हैं। अभी मेरी बस में पैसेंजर्स बैठी हैं, महिलाएं बहुत खुश हैं पीछे, क्यों कह रही हैं मैडम आगे से अच्छे से स्पीड में चलाना। हाँ, तो ऐसा उन्हें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। देखो सामने से कह भी रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।